अंततः बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि झारखंड में बाकी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आखिरी वक्त तक बीजेपी आजसू के जवाब का इंतजार करती रह गई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रभारी ओम माथुर ने आजसू को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके ऑफर को आज उसने कोई तरजीह नहीं दी और लगातार बीजेपी की सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करती रही। शनिवार की शाम एक सवाल के जवाब में ओम माथुर ने कह दिया कि बीजेपी राज्य में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। रांची झारखंड से आशुतोष कुमार रंजन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। की व्यवस्था हो जाए, आम सभाएं जो आवश्यक थे उसकी सारी रचना हो रही है। प्रधानमंत्री जी के दौरे के सारे स्थान तय हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरों के स्थान होते हो रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी सबके स्थान, वो सारी तय। प्रधानमंत्री जी की कितनी सभाएं हो सकती है क्या इस पर भी? कम से कम 5-6 मानिए, शायद बढ़ भी सकती है 2-4। गठबंधन पर भी सर कोई चर्चा, क्योंकि गठबंधन आपका पूरा तरीके से टूट चुका, अब अकेले अब इसमें क्या चर्चा करनी है? आप कह रहे हो टूट चुका तो कुछ ऐसा करने क्या, इसमें पार्टी लड़ेगी तब तक। सरयू राय नाराज है अभी, पता लगा नहीं मुझे अभी।